मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। मेरा बेटा फौत हो गया, अल्लाह मफ़द फरमाए, अल्लाह आपको सब्र दे। तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है, आप इशा की नमाज के फ़ौरन बाद भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं, वो तो अफजल है कि आखिरी रात में पढ़ें। सारी रात इशा के बाद सारी रात तहज्जुद है। क्या लड़की के ज़िम्मे ससुराल वालों की खिदमत करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। उससे कोई उसके ज़िम्मे अपने खावंद की और उसके बाद वो भी वालिदैन का एहतराम है, वरना ज़िम्मे नहीं है उसके। एक मौलवी से बग़ैर किसी लालच के रिश्ते करवाता है, जब रिश्ता हो जाए तो लोग उसको हदिया देते हैं, बिल्कुल वो जायज़ है, क्यों ना दें, ज़रूर दें। नेट पर लोगों से राबता करके वो रिश्ते करवाते, अच्छी बात है, नेकी की तरफ बुला रहा है ना, लोगों को गुनाहों से बचा रहा है। मेरी बेटी दामाद की वजह और सास ससुर की वजह से बहुत परेशान है। बेटी ये परेशानियां होती हैं, हर घर में है। रोजाना जब मौका मिले दो रकात पढ़ के दुआ किया करो कि अल्लाह हमारे घर से शर को दूर करे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वरना ये हर घर का मसला है, मुसीबत है ना जी, कि सास बहू को बेटी नहीं समझती और बहू भी माशाल्लाह उसको मां नहीं समझती, तो सुनो कैसे हो। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।